तो आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपका अगर एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन है वो सेम कैटेगरी का है, किसी भी कैटेगरी का नहीं, बट उससे रिलेटेड एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है, तो वो कंपटीशन को कैसे बीट करना है आपको, यानी कि सेम कैटेगरी के एप्लीकेशन को बनवाने के बाद भी आप कैसे ज्यादा पैसा कमा पाओगे, प्लस कंपटीशन को कैसे बीट कर पाओगे, अपने एप्लीकेशन को आप उनसे ज्यादा बेस्ट और टॉप पे कैसे ला पाओगे, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, नए आइडियाज फाइंड करने से ज्यादा हम ये सोचते हैं कि जो एप्लीकेशन मार्केट में ऑलरेडी रन कर रहा है हम उसी कैटेगरी का एप्लीकेशन बनवा लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके माइंड में ये आता है कि यार मुझे OTT जैसा एप्लीकेशन, OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप बनाना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार मैं नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लूँ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो का क्लोन बना लूँ और जो उसमें फीचर्स दिए गए हैं वही मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूँ और पब्लिश कर दूँ, ठीक है। या फिर अगर आपके दिमाग में ये आता है कि आपको एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है, तो आप ये सोचते हो कि अमेजॉन टाइप, फ्लिपकार्ट टाइप या फिर ग्रोफर्स टाइप, इस टाइप के आप एप्लीकेशन उनके क्लोन्स बनवा लो, मतलब उनके जो फीचर्स हैं उनको आप अपने एप्लीकेशन के अंदर डालो और आप वो एप्लीकेशन को पब्लिश कर दो, ठीक है। मतलब ज्यादातर आप लोग सेम कैटेगरी के एप्लीकेशन बना लेते हो जो मार्केट में ज्यादा रन कर रहे हैं, ऑलरेडी जो रन कर रहे होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मैं आपको ये बता दूं, 80% एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे क्लोन है, मतलब जो पहले से डला हुआ है उस कैटेगरी का, उस आइडिया को ऑलरेडी डाल दिया गया है प्ले स्टोर पे, उसके क्लोन्स बनते हैं। एप्लीकेशन आप जाके प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन सर्च कर लीजिए, वीडियो स्टेटस सर्च कीजिए, आपको वहां पे 1 लाख एप्लीकेशन दिख जाएंगे वीडियो स्टेटस के, लेकिन जिसमें से कोई एक ही होगा जो आपको बेस्ट पसंद आएगा, बाकी सब उसके क्लोन ही होंगे, ठीक है। टिकटॉक आया, उसके बाद उसके कितने क्लोन निकल गए, तो ये अक्सर होता है। नए आइडियाज उस पर, क्योंकि नए आइडियाज फाइंड करने के लिए R&D बहुत करना पड़ता है, रिसर्च उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च में मतलब जो पैसा लगता है वो हमको ऐसा फील होता है कि ये फ्री का पैसा जा रहा है, ठीक है। लेकिन पर कुछ अगर हमें वहां पे मिल जाता है रिसर्च करने के बाद कि यस ये टाइप का अगर हम एप्लीकेशन मार्केट में डाल दें तो बहुत ज्यादा चलेगा, और उसके बाद में जब हम डाल भी देते हैं तो हमारे क्लोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जो हमने एप्लीकेशन बनाया है उसके क्लोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपका अगर एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन है वो सेम कैटेगरी का है, किसी भी कैटेगरी का नहीं, बट उससे रिलेटेड एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है, तो वो कंपटीशन को कैसे बीट करना है आपको, यानी कि सेम कैटेगरी के एप्लीकेशन को बनवाने के बाद भी आप कैसे ज्यादा पैसा कमा पाओगे, प्लस कंपटीशन को कैसे बीट कर पाओगे, अपने एप्लीकेशन को आप उनसे ज्यादा बेस्ट और टॉप पे कैसे ला पाओगे, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, मैंने कुछ 2-4 पॉइंट्स मैंने खुद पहले रिसर्च किया, उसके बाद में कुछ 2-4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए रेडी किए हैं और इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, यू कैन इंप्रूव अपॉन योर ऐप, ठीक है। देखिए क्या होता है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं मार्केट में, हमें भी पता है, हम किसी भी कैटेगरी का फाइंड करेंगे हमें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लेकिन उनकी जो गलतियां रहती हैं वो हमारे लिए क्या रहता है, अपॉर्चुनिटी रहता है। उनकी गलतियों को हमें पहले पकड़ना है, चलो ठीक है, हम रिसर्च नहीं कर सकते नए आइडियाज को ढूंढने में, लेकिन वो तो रिसर्च कर सकते हैं जो ऑलरेडी बन चुका है, उनकी गलतियों को ढूंढने में ऑब्वियसली हम सब इन सब चीजों में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, किसी की गलतियां निकालने में। तो एप्लीकेशन जो उन्होंने बनाया है उसके अंदर हम अपने एप्लीकेशन का उसका क्लोन भी बना रहे हैं, तो ऐसा क्या इंप्रूव कर सकते हैं जो यूजर्स को ज्यादा पसंद आएगा, और अपने एप्लीकेशन को उनसे ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। एक तो आप देखो, उससे कम रखोगे तो वैसे भी नहीं चलेगा आपका एप्लीकेशन, उसके जैसा बनाओगे तो ऑलरेडी वो मार्केट में रन कर रहा है तो आपके पास लोग क्यों आएंगे, उससे बेटर बनाओगे तभी आपके पास मतलब यूजर्स को एक पॉइंट मिल जाएगा कि यस वो आपके एप्लीकेशन की तरफ माइग्रेट होंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूं मैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है, ऑफर कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस। अब देखो दोस्तों क्या होता है, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, हमें ऑफर दे रहा है कि आप मेरे मतलब मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, मैं आपको बेस्ट सीरीज, वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज, वर्ल्ड के नए सीरीज जो भी आते हैं और जो नए नए मूवीज हैं वो आपको मेरे इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, उसके उसके लिए आपको अराउंड 199 बस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका ऑफर ये है, अब आप उनके ऑफर को कैसे बीट कर सकते हो, यानी कि कंटेंट वही आप भी दे रहे हो, ठीक है, उनसे भी बेटर देने की कोशिश करो, और बीट आप यहां पे ये कर सकते हो कि उनको ऑफर दे सकते हो कि वहां 199 पे करना है, आपको यहां पे सिर्फ 99 रुपीज पे करना है, तब जाके थोड़ा कंपटीशन मतलब लोगों को एक पॉइंट मिलेगा कि वो आपकी तरफ आए, प्लस उनको और एक ना वहां पे ऑप्शन डाल दीजिए अपने एप्लीकेशन में कि जो उनको मूवीज चाहिए वो आप मतलब चैट में लिखें और उनको वो मूवी आप नेक्स्ट डे अपलोड कर दो, या फिर जैसे भी आप उनको उनके फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश आप करो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों आता हूं मैं, मतलब ऑफर को जितना आप कस्टमाइज और अपने कंपटीटर से बेस्ट देने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा चांसेस रहता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं तीसरे पॉइंट पे,
नो हाउ ए यूजर फाइंड यू। देखो दोस्तों क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि प्ले स्टोर से ही आपका यूजर जो है आपको फाइंड कर रहा है, आपके एप्लीकेशन को फाइंड कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वहां पे किसी ने डाउनलोड किया होगा लेकिन उसने अपने फ्रेंड को शेयर किया होगा और वहां से वो आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके जो यूजर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन को कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, सुनने से मतलब कहीं ना कहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं या आपके वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं या फ्रेंड फैमिली से शेयर किया तो डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब जो आपने मार्केटिंग की है। मार्केटिंग देखो सिर्फ एक ही जगह तो हम करते नहीं है, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो बहुत जगह मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर वेबसाइट पे, गूगल्स के, मतलब बहुत जगह मार्केटिंग करते हैं। तो एग्जैक्टली वो कस्टमर ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं वो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी जगह पे जो आप फालतू का पैसा वेस्ट कर रहे हो मार्केटिंग में, वो सारा पैसा आप वहां पे इन्वेस्ट करो जहां से यूजर्स आपको ढूंढ रहे हैं, मतलब यूजर्स जहां से आपको फाइंड कर रहे हैं, जहां से यूजर्स आ रहे हैं आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी था, मतलब ये आपका प्रमोशन का पैसा बचा लेता है, ये वाला जो पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट के ऊपर, डिफाइन योर बिजनेस रियल एम एंड इनकरेज द टीम। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि समझ के चलिए कि आपका जो एप्लीकेशन है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो शायद आप समझ जाओगे। देखो दोस्तों डिजिटल मार्केटर जो रहते हैं, मतलब फेसबुक के एड एक्सपर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में फेसबुक एड एक्सपर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप खुद को एज अ डिजिटल मार्केटर प्रमोट करोगे फेसबुक पे तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज का, यानी कि एक डेंटिस्ट का जो बिजनेस है उसको मैं एक हाई लेवल पे लेके जा सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ, तो वहां पे थोड़ा कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि सिर्फ डेंटिस्ट के उनको प्रमोट करने वाले, उनका कंपटीशन कम है, ठीक है। मतलब है उसी फील्ड में, देखो दोस्तों मेरे फील्ड में, मैं जो यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देख रहे हैं इससे बनाने वाले बहुत आपको और भी चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो मोटिव रहता है, मैं जो आपको बताता हूँ वो अदर चैनल्स पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरा थोड़ा बताने का तरीका अलग होता है, मैं काफ़ी रिसर्च करके आपको मतलब कंपटीशन को कम करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप चैनल्स पे जाके देख लो, मेरे जैसे जो चैनल्स हैं, हो सकता है आपको मुझसे अच्छे कॉन्टेंट मिल जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ही बेटर बनाता हूँ, मुझसे अच्छे कॉन्टेंट भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यस, मैं बेटर देने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा थोड़ा बताने का तरीका लगा, कहीं ना कहीं मैं कंपटीशन को थोड़ा कम कर रहा हूं, ठीक है। तो यही चीज आपको अपने बिजनेस में भी देखना है, आपको अपने एप्लीकेशन में भी देखना है कि आपका एप्लीकेशन जो है उस कैटेगरी में कौन से पॉइंट की वजह से ज्यादा चल रहा है, उस पॉइंट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो ऑफर हो वो बेस्ट हो, वो बेस्ट लग रहा हो यूजर को, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन ज्यादा रन कर रहा हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन का यूआई डिजाइन बहुत बेस्ट है एज अदर कंपनी से, जो आपके कंपटीटर है उनके एप्लीकेशन से ज्यादा बेस्ट है आपका यूआई डिजाइन, तो वहां पे आप बीट कर सकते हो अपने कंपटीटर्स को, वो एक बेस्ट, उसको और भी ज्यादा बेस्ट बना सकते हो। कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से आपके यूजर्स आपके पास आते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आईफोन, हम जो आईफोन यूज करते हैं उसका सबसे बेस्ट हमें क्या लगता है, उसकी सिक्योरिटी और उसका यूआई, उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से एक बार अगर आईफोन कोई बाय कर लेता है तो ज्यादा चांसेस रहता है कि वो दोबारा आईफोन ही बाय करेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो आपके पास जो यूजर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में उस चीज को आपको और ज्यादा इंप्रूव करना है ताकि वो यूजर आपके एप्लीकेशन पे ही टिका रहे, किसी और दूसरे एप्लीकेशन में ना जाए। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।